मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ एजी न्यूज में। अभी हमारे सामने बहुत ही बड़ी खबर आ रही है उड़ीसा से, जहां पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पाठक ने अभी एक बड़ा एक कदम लिया है जो कि लॉकडाउन के ऊपर है। चलिए जानते हैं क्या है ये अपडेट, इसके बारे में हम लोग आज की न्यूज में आपको बताएंगे। लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, और लाइक भी जरूर कीजिए। लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होने वाला है, और उस दौरान ही ये सब मीटिंग हमारे मुख्यमंत्री भी, जो कि हमारे पीएम मोदी जी हैं, वो सब मुख्यमंत्रियों के साथ कर चुके हैं। कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल पे उन्होंने बात की है, और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बोला गया है कि वो डिसीजन ले, इसके ऊपर गंभीरता से सोचे। और उस दौरान ही 80% लोग मान गए हैं कि इसको अभी लॉकडाउन को आगे बढ़ा देना चाहिए लॉकडाउन, क्योंकि ये अभी कंट्रोल में नहीं आया है। इसको कंट्रोल पाने के लिए लोगों को अपने आप की सेफ्टी रखनी काफी ज्यादा जरूरी है। और अभी जो कि उड़ीसा से हमारे सामने मामला आ रहा है, वहां के मुख्यमंत्री नवीन पाटकिया ने अभी ये बात बोली है कि उन्होंने अभी इस लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया, यानी कि वहां पर ये पहला एक राज्य है जहां पर लॉकडाउन आगे बढ़ चुका है, और ये लॉकडाउन उड़ीसा में 30 अप्रैल तक रहेगा। यानी कि एक राज्य ने अभी अपना डिसीजन ले लिया है, मतलब कि अभी बाकी राज्यों को लेना बाकी है। तो आई होप गाइस आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोगों को इतना ही बताना है कि लॉकडाउन बढ़ने तो वाला है। लॉकडाउन अभी ऐसा ही नहीं है कि आप 15 तारीख को घर से बाहर जाएंगे, पर ऐसा नहीं होगा। लॉकडाउन आपको और भी ज्यादा झेलना पड़ेगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।